किसान भाइयों, मिट्टी हमारी धरती माता का वह अंग है जिससे संपूर्ण मानव समुदाय को भोजन प्राप्त होता है। मिट्टी का भी स्वास्थ्य परिवर्तित होते रहता है, अतः मिट्टी के स्वास्थ्य की जानकारी होना काफी मायने रखता है। आइए आज की चर्चा में हम जानें कि मिट्टी की जांच क्यों और कैसे की जाए। किसान भाइयों, आपको मेरा नमस्कार और जोहार। जिस तरह से आप अपने स्वास्थ्य की जांच के लिए डॉक्टर के पास जांच कराते हैं खून पेशाब पैखाना का, उसी तरह से मिट्टी की उर्वरता को जानने के लिए हमको मिट्टी का जांच कराना बहुत आवश्यक है। मिट्टी की क्या अवस्था है, इसमें कितने पोषक तत्व, मुख्य पोषक तत्व जितने हैं उसकी जानकारी के लिए, जैसे नत्रजन, स्फूर और पोटास, ये तीन मुख्य पोषक तत्व हैं, और जीवांश की मात्रा और उसकी आम्लिकता कितना है। प्रारंभिक रूप से खेती के लिए इसी पांच आयाम की जरूरत होती है, और इसमें जांच करने के बाद ही समुचित मात्रा में हमको कितना खेत में चूना के आम्लिक मिट्टी में चूना के डालना है और कितनी जीवांश की मात्रा डालना है, हमारे खेत में कितना नत्रजन की मात्रा है, स्फुर की मात्रा है और पोटास की मात्रा है, उसको जानने के बाद ही हम अपने फसलों में कितने उर्वरक की व्यवहार करना चाहिए, इस हेतु हम मिट्टी की जांच करते हैं। फसल उत्पादन में संतुलित उर्वरकों का महत्वपूर्ण योगदान है। विभिन्न मिट्टियों में पोषक तत्वों की उपलब्धता और उसमें बोए जाने वाले फसलों के पोषक तत्व की आवश्यकता भिन्न भिन्न होती है। अतः किसी भी खेत में फसल लगाने के पूर्व उपलब्ध पोषक तत्वों की जानकारी के लिए मिट्टी परीक्षण उतना ही आवश्यक हो जाता है जितना किसी रोगी के इलाज के पूर्व डॉक्टरी जांच। बिना मिट्टी जांच कराए खेतों में उर्वरकों के उपयोग से हमेशा इस बात की आशंका बनी रहती है कि मिट्टी में जिस पोषक तत्व की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में हो, किसान भाई उसी पोषक तत्व को उर्वरक के रूप में ना डाल रहे हो, तथा जिन पोषक तत्वों की कमी हो उन्हें पूरा नहीं किया जा रहा हो, फलतः मिट्टी की उर्वरा शक्ति में कमी हो जाती है और मिट्टी उपजाऊ ना होकर किसान के लिए समस्या खड़ी कर देती है। अतः मिट्टी जांच के आधार पर विभिन्न फसलों तथा फसल प्रणालियों में उर्वरकों का प्रयोग आवश्यक है। आइए अब जानें कि मिट्टी की जांच के मुख्य उद्देश्य क्या है। समस्याग्रस्त भूमियों जैसे अम्लीय, ऊसर, क्षारीय भूमि की पहचान एवं उनकी तीव्रता के अनुसार उनके सुधार तथा उपजाऊ बनाने का सही ढंग जानने के लिए मिट्टी की जांच आवश्यक है। इसके अलावा फसलों या फसल पद्धतियों में रासायनिक खादों के प्रयोग की सही मात्रा निर्धारित करने के लिए, बाग एवं पेड़ लगाने के लिए भूमि की योग्यता निश्चित करने के लिए मिट्टियों को उनकी उर्वरा शक्ति के अनुसार विभिन्न वर्गों में बांटने एवं मिट्टी उर्वरक का नक्शा बनाने के लिए मिट्टी जांच परम आवश्यक है। मिट्टी जांच के लिए पहली आवश्यकता यह है कि खेतों से मिट्टी का सही नमूना लिया जाए, ना केवल अलग अलग खेतों कि मृदा की आपस में भिन्नता हो सकती है, बल्कि एक खेत में अलग अलग स्थानों की मृदा में भी भिन्नता हो सकती है। अतः खेत की उपजाऊ शक्ति की जानकारी के लिए यह ध्यान रखने योग्य बात है कि परीक्षण के लिए मिट्टी का जो नमूना लिया गया है वह आपके खेत के हर हिस्से का प्रतिनिधित्व करती हो। मिट्टी का गलत नमूना होने से परिणाम भी गलत मिल सकते हैं। किसान भाइयों, आइए अब यह जानें कि मिट्टी का नमूना लेने की सही तकनीकी सिफारिश क्या है। इसके लिए समान भूमि की निशानदेही करें। जो भाग देखने में मृदा की किस्म, जल निकास और फसलों की उपज से
छिन्न हो। उस प्रत्येक भाग की निशानदेही लगाएं तथा प्रत्येक भाग को एक खेत मानें। हर भाग से मृदा परीक्षण के लिए अलग अलग नमूना लें। नमूना लेने के लिए औजार का उपयोग करें। मिट्टी का सही नमूना लेने के लिए मृदा परीक्षण ट्यूब, बर्मा, कुदाल, फावड़ा तथा खुरपी का प्रयोग किया जा सकता है। आइए अब जानें कि नमूना एकत्रित करने की विधि क्या है। सर्वप्रथम एक खेत में 10-12 अलग अलग स्थानों पर नमूना लेने हेतु निशान लगा दें। परंतु रासायनिक खाद की पट्टी वाली जगह, सड़क या गोबर खाद का जहां पहले से ढेर लगाया गया हो या गोबर खाद डाली गई हो वहां से मिट्टी का नमूना ना लें। मेड़ के नजदीक या ऐसे भाग से भी नमूना ना लें जो बाकी खेत से भिन्न हो। उसके बाद निशान लगाई गई जगह पर मृदा के ऊपर का घास को साफ करें। तत्पश्चात भूमि की सतह से हल की गहराई जो 0 से 15 सेंटीमीटर होती है तक मृदा परीक्षण ट्यूब या वर्मा द्वारा मिट्टी की एक साल टुकड़ी ले लें। परंतु यदि किसान भाइयों को कुदाल या खुरपी का प्रयोग करना हो तो आप इसका प्रयोग कर निशान वाली जगह पर भी के आकार का 15 सेंटीमीटर गड्ढा बनाएं तथा बीच की मिट्टी निकालकर फेंक दें। अब आप एक ओर से ऊपर से नीचे तक 2 से 3 सेंटीमीटर मोटाई का एक साल टुकड़ा खुरपी की मदद से काटें तथा इन मिट्टियों को साफ कपड़े के थैले या पॉलिथीन बैग में इकट्ठा करें। इसी तरह से आप एक खेत से निशान लगाई गई 10-12 अलग अलग जगहों से मिट्टियों को एकत्रित कर लें तथा एक ही थैले में रख दें। अगर खड़ी फसल से नमूना लेना हो तो मृदा का नमूना पौधे की कतारों के बीच वाली जगह से लें। जब खेत में धारियां बना दी गई हो या कतारों में खाद डाल दी गई हो तो मृदा का नमूना बिल्कुल ना लें। आइए अब जानें कि एकत्रित मिट्टी को मिलाकर एक नमूना कैसे तैयार किया जाता है। एक खेत के भिन्न भिन्न स्थानों से एकत्रित किए गए मिट्टियों को छाया में रखकर सुखा लें। मृदा को धूप, आग या अंगीठी आदि के ऊपर रखकर ना सुखाएं। एक खेत से एकत्रित की गई मिट्टियों को अच्छी तरह मिलाकर एक नमूना बनाएं तथा उसमें से लगभग 0.5 किलोग्राम मृदा का नमूना लें जो समूचे खेत का प्रतिनिधित्व करती हो। नमूने को पहचान देना आवश्यक है जिससे कि हमें सही मिट्टी जांच प्रतिवेदन मिल सके। हर नमूने के साथ अपना नाम, पता और खेत के नंबर का लेबल लगाएं। अपने रिकॉर्ड के लिए उसकी एक नकल अपने पास रख लें। 2 लेबल तैयार करें, एक थैली के अंदर डालने के लिए तथा दूसरा बाहर लगाने के लिए। लेबल कभी भी स्याही से ना लिखें, हमेशा बॉल पेन या कॉपी पेंसिल का प्रयोग करें। खेत व खेत की फसलों का पूरा ब्योरा सूचना पर्चे में लिखें। यह सूचना पर्चा आपकी मिट्टी जांच रिपोर्ट व सिफारिश को अधिक लाभकारी बनाने में सहायक होगा। मृदा के नमूने के साथ सूचना पर्चे में निम्नलिखित बातों की जानकारी आवश्यक है, जैसे खेत का नंबर या नाम, नमूना लेने की तिथि, अपना पता, मृदा का स्थानीय नाम, भूमि की किस्म, सिंचित असिंचित, सिंचाई का साधन,
फसलों की अदल बदल, खादों या रसायनों का ब्यौरा जो कि प्रयोग किया गया हो, या कोई समस्या जो उस खेत से संबंधित हो की जानकारी देना आवश्यक है। हर नमूने को एक साफ कपड़े की थैली में डालें। ऐसी थैलियों में नमूना ना डालें जो पहले खाद आदि के लिए प्रयोग में लाई जा चुकी हो। किसान भाइयों, अब यह भी जानना आवश्यक है कि मिट्टी का परीक्षण दोबारा कितने दिनों के बाद करना चाहिए। एक पूरे फसल चक्र के बाद मिट्टी जांच करवा लेना अच्छा होता है। हल्की या बलुआई मिट्टी वाले खेतों की मृदा को जांच की अधिक आवश्यकता होती है, पर कम से कम 3 या 4 साल के अंतराल पर अपने खेतों की मिट्टी की जांच एक बार अवश्य करवा लें। वर्ष में जब भी खेतों की स्थिति नमूने लेने योग्य हो, नमूने अवश्य एकत्रित करके रख लेने चाहिए। यह जरूरी नहीं कि मिट्टी की जांच केवल फसल बोने के समय करवाई जाए। किसान भाइयों, अब आप सोच रहे होंगे कि मिट्टी का परीक्षण कहाँ करवाया जाए। आप किसान भाइयों के लिए मिट्टी की जांच की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है। वे अपने खेतों का सही नमूना लेकर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग कृषि संकाय के मिट्टी जांच प्रयोगशाला में भेजकर परीक्षण करवा सकते हैं तथा जांच रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं।